अब खबरें विस्तार से। आर्थिक गणना के लिए 15 अगस्त के बाद काम शुरू हो जाएगा और गणना के लिए घर घर जाकर डाटा इकट्ठा किया जाएगा। आर्थिक गणना के लिए हमीरपुर के वीडियो सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 150 पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला में आर्थिक गणना को लेकर टिप्स भी दिए गए और बताया गया कि किस तरह से लोगों को डाटा एकत्रित करना है। आर्थिक गणना के लिए 15 अगस्त के बाद काम शुरू हो जाएगा और गणना के लिए घर घर जाकर डाटा इकट्ठा किया जाएगा। आर्थिक गणना के लिए हमीरपुर के वीडियो सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 150 पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला में आर्थिक गणना को लेकर टिप्स भी दिए गए और बताया गया कि किस तरह से लोगों को डाटा एकत्रित करना है। सांख्यिकी विभाग के अधिकारी ने बताया कि 15 अगस्त के बाद आर्थिक गणना शुरू होगी और इसके लिए कार्यशाला के माध्यम से वॉलंटियर को जागरूक किया जा रहा है, ताकि सही ढंग से आर्थिक गणना का काम हो सके। इसमें अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल 100-150 एनुमरेटर और सुपरवाइजर यहाँ इस ट्रेनिंग में हिस्सा ले रहे हैं, और ये 7th इकोनॉमिक सेंसस जो है वो भारत सरकार की तरफ से जो है वो अभी अगले महीने से स्टार्ट, क्या इसी महीने 15 अगस्त से जो है वो स्टार्ट की जा रही है। और इसमें जो ये हमारे जो एनुमरेटर है ये घर घर में जाएंगे, शॉप टू शॉप जाएंगे और ये सारा सर्वे जो है वो करेंगे। और इसमें ये जो मतलब जो है ये सर्वे की जो रिपोर्ट है वो हमारी भारत सरकार और के लिए जो है वो जितने भी उद्यम निकलेंगे उन वो जो है मतलब हर प्रकार की योजनाओं और उसमें काम आएंगे। तो इसलिए ये हर 5 साल के बाद ये आर्थिक गणना की जाती है, और ये जो इस बार जो है वो 7th इकोनॉमिक सेंसस जो है वो हो रही है। ये तो ज़्यादा ये जो CSE डिपार्टमेंट जो कॉमन सर्विस सेंटर जो है उसके द्वारा किया जा रहा है ये काम। हम तो हमारा जो डिपार्टमेंट है वो अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग है, हमारे को जो है सुपरविजन का काम दिया गया है। हम जो है इसमें जो 10% जो सुपरविजन का काम करेंगे, बाकी का जो फील्ड वर्क है ये जो CSE वाले हैं कॉमन सर्विस सेंटर वाले जो हैं वो इस काम का जो मतलब सारा उन्हीं के ऊपर जो है उनके द्वारा कराया जा रहा है। इससे पहले जो है वो हमारा डिपार्टमेंट जो है वो इससे पहले 6 आर्थिक गणना हो चुकी है, तो हम हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा की गई हैं। बट इस बार जो है वो सरकार ने पत्र किस बेस पे क्या सोचा और इस डिपार्टमेंट को दी है, चलो वो तो कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छा, और अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, अच्छी ट्रेनिंग चल रही है। और मैं भी यही चाहता हूँ कि अच्छा काम हो, और हमारा भी यही प्रयास रहेगा कि ये लोग अच्छा काम करके दें सरकार को, ताकि ये जो डाटा या जो भी फील्ड वर्क से कलेक्ट करके जो मटेरियल आएगा वो हमारे देश की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को सुधारने और उन पर जो कोई योजनाएं बनाने के लिए भी काम आएगा। क्या नाम क्या सर आपका? मेरा नाम सुनील कुमार, जिला सांख्यिकी अधिकारी यशु, और ये मेरे अशोक कुमार सहायक अनुसंधान अधिकारी टू का काम देख रहे हैं। बाकी का जो है सुपर लेवल 1 का काम जो अब NSSO जो होता है हमारा नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है सेंटर का डिपार्टमेंट है वो देखेगा, पहले वो चेक करेगा इनको, उसके बाद हमारे पास ज़्यादा नहीं कहूँगा। बाकी को और आपको जानकारी देनी होगी तो हमारा अभी सर इसमें मीटिंग में कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया था? इस वक्त अभी 200-250 के करीब होंगे, इसमें सुपरवाइजर भी है और एनिमेटर भी है, कुछ प्रगण और कुछ के जो है पर्यवेक्षक जो है वो आए। ये सिंगल डे की वर्कशॉप है सर? सिंगल डे वर्कशॉप है आज की, अभी चल रही है। इसमें 3 ब्लॉक नदौन और हमीरपुर, 3 ब्लॉक भी बिल्कुल। इससे पहले 2 तारीख को भी हो चुकी है वर्कशॉप, जो बाकी के 3 ब्लॉक हो चुकी है, ये 3 ब्लॉक इस जो ये आर्थिक गणना, इसका मेन मकसद है कि हमारी जो आर्थिक इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना, हर घर में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है उसको कवर करना। ऐसे सरकार के पास जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जैसे गवर्नमेंट के अब दफ्तर हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है, कॉरपोरेट सेक्टर है, उसका तो डाटा है, और जो अनएम्प्लॉयड सेक्टर है छोटे छोटे गाँव में गली में छुपे आर्थिक गतिविधियाँ उनको कवर करना।
छोटे छोटे काम धंधे लोग गांव में करते हैं, जैसे सिलाई का काम करते हैं, कढ़ाई का काम करते हैं, अचार चटनी मुरब्बा, ऐसे छोटे छोटे लघु या कुटीर उद्योग जैसे लोगों ने चला रखे हैं अपना डेली के अपने काम, मतलब जो है वो परिवार को पालने के लिए उस तरह की चीज़ें वो हमने मतलब निकाले इस सर्वे से वो कवर हो। इसका डेटा सरकार के पास नहीं होता, इसी को कवर करने के लिए हर 5 साल बाद ये आर्थिक गणना करवाई जाती है।